नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टीबैगर स्टॉक में। दोस्तों, अगर आज निफ्टी 50 की बात की जाए तो आप देख सकते हो हल्की फुल्की गिरावट निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली। हालांकि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट पूरी की पूरी जो ओवरऑल मार्केट है उसमें कम गिरावट है, लेकिन जो अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक हैं उसके अंदर आपने देखा होगा लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी। चाहे उसमें एस्ट्रल है, आप बजाज फाइनेंस की बात कर लीजिए, बजाज फिनसर, VBL और काफ़ी जो अच्छे हाई ग्रोथ वाले स्टॉक है उनके अंदर आपको लगातार गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही हो। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं 5 हाई CAGR स्मॉल कैप स्टॉक। और ये जो सारे के सारे जो पांच स्टॉक है दोस्तों, इनके अंदर अच्छी खासी FIIs की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही होगी। जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है दोस्तों, उसमें 1 ईयर में लगभग 101% के रिटर्न बना के दिए हैं, और अगर 3 ईयर्स की बात करें तो 3 ईयर्स में 44% के रिटर्न बना के दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 38% और लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो ज़बरदस्त 56% के रिटर्न बना के दिए हैं। और ये देखते ही ये स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है और अच्छी खासी इसमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। सेकंड जो हमारा स्टॉक होने वाला है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो लास्ट 1 ईयर में उसने भी ज़बरदस्त लगभग 104% के रिटर्न उसने भी बना के दिए हैं, और 3 ईयर्स की बात करें तो 96% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। और अभी हालांकि ये स्टॉक नया है इसलिए जो फर्दर 5 ईयर और 10 ईयर्स के जो रिटर्न है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे भी उम्मीद काफ़ी लगाई जा रही है कि ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक साबित होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। जो थर्ड स्टॉक होने वाला है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो उसने तो 1 ईयर में 136% के रिटर्न बना के दे दिया है, और 3 ईयर्स की बात करें तो 96% के रिटर्न बना के दिए। फोर्थ जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो रिसेंटली लिस्टेड है दोस्तों, और उसने 1 ईयर में लगभग 27% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं। फिफ्थ स्टॉक की बात करें तो 1 ईयर में लगभग 66, 3 ईयर में 53, और अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 31, और लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 34% के रिटर्न बना के इस स्टॉक ने भी दिए हैं। ये केमिकल सेक्टर से दोस्तों, ये जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और काफ़ी कम यूट्यूबर हैं जो ये वाला स्टॉक आपको सजेस्ट करते होंगे, क्योंकि एक ये छुपा हुआ रोस्टम है दोस्तों स्मॉल कैटेगरी में अगर केमिकल सेक्टर की बात करें। चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है दोस्तों, उसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज। और KEI इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हो आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, 6.82% की तेजी आप आज KEI इंडस्ट्रीज के अंदर देख सकते हो। अगर 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर्स में ज़बरदस्त 405% के रिटर्न KEI इंडस्ट्रीज ने बना के दे दिए हैं। आप देख सकते हो एक जो टाइम था यहाँ पे एक ही टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद हल्की सी गिरावट होती है और उसके बाद इसके अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है लगातार। इतने अच्छे खासे रिटर्न देने के बाद भी आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी PE केवल 34.87 की आपको देखने को मिलेगी। चलिए थोड़े स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। मार्केट कैप काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा, केवल 14,713 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा होगा। लगभग 52 वीक हाई के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की PE काफ़ी नीचे है, 34.4%। ROC की बात करें 23.8 और ROE 19, तो दोनों के दोनों लगभग 20 के आसपास में, जो कि काफ़ी डिसेंट मानी जाती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग 38% की देखने को मिल रही है, हल्की फुल्की सी डेप्थ है कंपनी के ऊपर। और अगर हम बात करें लास्ट 3 मंथ्स में, तो लास्ट 3 मंथ्स में 34.3% के ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं, लास्ट 6 मंथ में लगभग 30%, और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 101% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 44%, लास्ट 5 ईयर्स में 38, और लास्ट 10 ईयर्स में ज़बरदस्त 56% CAGR के रिटर्न ये स्टॉक बना के दे रहा है ऑलरेडी। अगर KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1968 में ये स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। और अगर बात करें तो ये डील करती है हाई वोल्टेज केबल वगैरह में, और मेनली जो इनका काम है दोस्तों वो केबल इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो माइलस्टोन्स के अंदर इट हैज़ अ 5.2% मार्केट शेयर इन टोटल केबल, जो कि काफ़ी माना जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज केबल सेक्टर की, तो 5.2% काफ़ी ज़बरदस्त माना जाएगा उसी साथ। और धीरे 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 जैसे जैसे इनका मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है, तो ये अच्छा खासा अपना जो मार्केट शेयर है वायर्स एंड केबल्स के अंदर उसे भी बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो प्रमोटर के पास है 37.99% माल, 38% आप इसे बोल सकते हो, और FIIs के पास देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त माल आपको देखने को मिलेगा, लगभग 27% का माल FIIs ने उठा रखा है।
हालांकि अगर दिसंबर 19 की बात करें तो आप देख सकते हो एफआईआई के पास केवल 12% था, जो कि उन्होंने बढ़ा के 26 कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा। और डीआईएच की बात करें तो डीआईएच का लगभग सेम सा आपको देखने को मिलेगी इसमें होल्डिंग 18% की, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और पब्लिक के पास केवल 16% का माल पब्लिक के पास। और ये भी दोस्तों एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि पब्लिक के पास माल कम है और एफआईआई ने तो इसमें इसके अंदर ज़बरदस्त होल्डिंग बना दी है, क्योंकि उन्हें पता है इस कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है और कितनी लंबी रेस का ये घोड़ा साबित हो सकता है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो दोस्तों मुझे लगता है आने वाले 10 ईयर्स में यहाँ ये स्टॉक यहाँ से कम 10x होने वाला है। अगर आप चाहते हो इसमें अपना जो सेक्टर लीडर है तो आप पॉलीकैब भी खरीद सकते हो और केआई इंडस्ट्रीज भी खरीद सकते हो। मेरे पास दोनों के दोनों स्टॉक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। और अगर इसमें आज तेजी की बात करें तो लगभग 3.47% की तेजी आपको देखने को मिल रही होगी। और अगर बात करें इसकी लिस्टिंग की तो लिस्टिंग को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों। इसकी लिस्टिंग हुई थी 3 नवंबर 2017 में, और उस टाइम से लेकर आज तक का आप इसके जो रिटर्न है वो देख सकते हो, लगभग 1000% के रिटर्न इसने लास्ट 5 ईयर्स में बना के दे दिए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न ये माने जाएंगे दोस्तों। और अगर कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हो मार्केट कैप लगभग 54,000 का आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की पी 66.2 चल रही है, जो कि लगभग मीडियम रेंज में आप उसे मान के चल सकते हो। लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, केवल 50 रुपीज़ का डिस्काउंट अवेलेबल है, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और अगर आरओसी की बात करें तो काफ़ी हाई साइड है, 30 की आरओसी है और आरओई भी लगभग 28 की देखने को मिल रही है। काफ़ी ऊपर की साइड ये दोनों की दोनों आपको देखने को मिल रही होगी। ये भी डिविडेंड प्रोवाइड कराता है 0.12% का। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 46.4 की देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की डेप्थ है कंपनी के ऊपर। और अगर 3 मंथ्स के रिटर्न की बात करें तो लगभग 34.3% के रिटर्न इसने बना के दिया है। 6 मंथ की बात करें तो लगभग 53%, ज़बरदस्त। और 1 ईयर में 104% के रिटर्न ये ऑलरेडी बना के दे चुका है। 3 ईयर्स में लगभग 96.7%। स्टॉक की बात कर लेते हैं, प्रमोटर के पास आप देख सकते हो लगभग 46.45% का माल देखने को मिल रहा होगा। और एफआईआई की बात करें तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 2019 में केवल 14% का माल एफआईआई के पास था, और बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने लगभग 26.30% माल इसके अंदर उठा लिया है। इसे भी आप मोटा मोटा बोल सकते हो कि डबल क्वांटिटी कर दी है उन्होंने भी एफआईआई ने इस स्टॉक के अंदर। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास स्टार्टिंग में 22% होता था, जो कि अब गिर गए 14% रह गए। हल्का फुल्का डिविडेंड जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर माल उठाया हुआ है। और पब्लिक के पास काफ़ी नीचे नीचे के परसेंटेज है, केवल 12.74% माल पब्लिक के पास इसमें दोस्तों आपको देखने को मिला होगा। और ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है दोस्तों, अगर पब्लिक के पास कम क्वांटिटी में माल पड़ा है तो एक पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो पब्लिक सबसे पहले अपने स्टॉक को बेचती है। और अगर पब्लिक के पास कम माल पड़ा होगा तो उस जो स्टॉक है उसके अंदर आपको कम गिरावट देखने को मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टॉक होने वाला है, जिसका हमें लगता है ये आने वाले जो 10 ईयर्स हैं काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं। इसका नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी। और अगर आज तेजी की प्रतिशत की बात करें तो लगभग 1.77% की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें तो आप देख सकते हो इसकी लिस्टिंग हुई थी 26 अप्रैल 2019 में, तो लगभग दोस्तों 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में 5-7% के रिटर्न ये ऑलरेडी बना के दे चुका है। तो आपने अगर इसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो दोस्तों वो आपका जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट था अभी तक 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता। और इन्वेस्टमेंट कब किया होता आपने? 2 अप्रैल 2019 में। तो 3 साल के अंदर अंदर आपके 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 60,000 इसने बना दिया होता, 60 से भी ज़्यादा 65,000 के आसपास बना दिया होता। चलिए KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं। मार्केट कैप अभी काफ़ी छोटा है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की पी मीडियम लेवल में ट्रेड कर रही है। डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 70 रुपये के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आरओसी 24 की है, अच्छी ज़बरदस्त है। आरओई 21 की है, ये भी काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है दोस्तों कंपनी। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 40% माल प्रमोटर के पास पड़ा है। 3 मंथ्स के रिटर्न आप देख सकते हो, ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेंगे लास्ट 3 मंथ्स में 40% के आसपास। 6 मंथ में लगभग 27%, 1 ईयर में लगभग 139%, और 3 ईयर्स की बात करें तो लगभग 96% के रिटर्न इसने लास्ट 3 ईयर्स में बना के दे दिए। और आप देख रहे होंगे कि जैसे कि KPIT टेक्नोलॉजी जो IT सेक्टर से बिलोंग करता है, और पूरे के पूरे IT सेक्टर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखोगे जो KPIT है वो लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है।
अगर कंपनी की बात करें तो काफ़ी वैरायटी है इनके पास भी। आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डिजिटल सॉल्यूशन, और लगभग जो ऑटोमोबाइल्स में जो काम होता है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी डाइवर्सिफाई काम है इनका। जो ऑटोमोबाइल वगैरह में जो स्क्रीन होती है, और आने वाला जैसे कि फ्यूचर ई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होने वाला है, तो इनके पास काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और अगर बात करें तो यूएसए में भी कंपनी डील करती है, यूरोप में भी डील करती है, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया। तो जो मेन रिवेन्यू आता है दोस्तों इसका, 41% ऑफ द रिवेन्यू कम फ्रॉम यूएसए, उसके बाद 39% यूरोप से आता है और 20% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप देख सकते हो यूएसए की जो मार्केट है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन इस स्टॉक में उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसका फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहा है आने वाले टाइम में। और अब चलते हैं प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग की तरफ। तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास लगभग 40% माल पड़ा है, एफआईआई के पास 16% माल पड़ा है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास लगभग 13%, डीआईआई ने इसमें प्रमोटर जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसे इंक्रीज किया है। एफआईआई के पास पहले 23 होती थी, जो कि घट के अब रह गया है लगभग 17। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इसमें अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो कि बढ़ के हो गया है 28, और अदर्स के पास है 1.38। चलिए दोस्तों ये तो था हमारा थर्ड स्टॉक जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और अब चलते हैं अपना फोर्थ स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। और अगर आज इसमें तेजी की बात करें तो लगभग 3.43% की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। 5 ईयर्स की बात करें तो रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई थी, और आप देख सकते हो जबरदस्त ग्रोथ आपको इसके चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रही होगी। लिस्टिंग की अगर डेट की बात करें तो ये देख सकते हो दोस्तों जहाँ पे मैंने कट लगाया, 21 अगस्त 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 111 के इसका जो उस टाइम पे लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद से देख सकते हो लगभग 280% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं केवल 2 साल के अंदर अंदर। काफ़ी ज़बरदस्त ये रिटर्न माने जाएंगे दोस्तों, जैसे कि रिसेंटली लिस्टेड है, और काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है दोस्तों वह है हॉस्पिटल चैन। अगर कोई दिल्ली से बिलोंग करता होगा तो उसने जरूर मैक्स हेल्थ केयर का नाम सुना होगा। चलिए अब चलते हैं मार्केट कैप वगैरह देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की पी मीडियम रेंज में चल रही है, 64.6। आरओसी 12 की देखने को मिलेगी, आरओई 10.3% की। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 23.8% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। 3 मंथ्स का रिटर्न देख लेते हैं, 17% का 3 मंथ्स में रिटर्न बना के दिया है, 6 मंथ में लगभग 7% का, और 1 ईयर की बात करें तो लगभग 27% के रिटर्न 1 ईयर में बना के दे दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो जो प्रमोटर के पास है दोस्तों, स्टार्टिंग में होता था 82.22% 24% माल, जो कि अब घट के हो गया है 23.80%। और माल किसने उठाया दोस्तों, माल उठाया एफआईआई ने। आप देख सकते हो एफआईआई के पास पहले कितना होता था, 10.87, जो कि बढ़ गया, हो गया है 49.27। तो ज़बरदस्त आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त स्टेक एफआईआई ने इसके अंदर अपना इंक्रीज किया। जून 2022 में केवल 23% का था, जो कि बढ़ के हो गया है 49 का। और डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी 19 से बढ़ा के कर दिया है 21, और पब्लिक के पास है केवल 5.76% माल। तो उस हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हो एफआईआई को पता है कि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी दम है, इसीलिए उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो काफ़ी इंक्रीज की है। और जबकि आपने देखा होगा लास्ट 6 मंथ से एफआईआई हमारी मार्केट में लगातार बिकवाली ही बिकवाली कर रही है, और इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। चलिए अब चलते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ, जो कि हमने आपको बताया था कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है दोस्तों। इसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज़, और इसमें आज हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली लगभग 2% की। और अगर 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 290% के रिटर्न इसने लास्ट 5 ईयर्स में बना के दिए हैं, डिसेंट रिटर्न माने जाएंगे दोस्तों। और अगर स्टॉक की बात करें तो 35,000 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की पी की बात करें तो लगभग 68.4 की देखने को मिल रही है, और आरओसी 25 की है, ठीक ठाक है, और आरओई भी लगभग 25 की है, तो ये भी डिसेंट है, पॉजिटिव चीज़ है। डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, 73.2% की। 3 मंथ्स का रिटर्न की बात करें तो लगभग 38.8% के रिटर्न लास्ट 3 मंथ्स में बना के दे दिए हैं, जबरदस्त। 6 मंथ की बात करें तो लगभग 40% के रिटर्न है, 1 ईयर में लगभग 66%, और लास्ट 3 ईयर्स में 53.9%, और लास्ट 5 ईयर्स में 31, और अगर 10 ईयर्स की बात करें तो 34.7, जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर।
अगर सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो दोस्तों ये डील करता है जो भी एक्सप्लोजिव केमिकल वगैरह बनाने का जो काम होता है उसमें कंपनी डील करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो मिसाइल्स एंड रॉकेट्स वगैरह में जो भी एक्सप्लोसिव जो केमिकल काम आता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी जोर दिया जा रहा है मेक इन इंडिया पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे ही सब चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें, और उसी को देखते हुए आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों वो डिफेंस सेक्टर का होने वाला है। काफ़ी नए नए जो स्टॉक है वो लिस्ट हुए हैं मार्केट के अंदर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो उसी को देखते हुए दोस्तों इसका भी फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहा है। अगर इसके दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास जैसे कि हमने डिस्कस किया 73.15% माल है, FIH के पास लगभग 6.64% माल है जो कि स्टार्टिंग में 5.3.59 होता था और बढ़ के उन्होंने लगभग अपनी जो होल्डिंग है डबल कर दिया इसके अंदर। DIH की बात करें तो 14.60% माल है और पब्लिक के पास केवल 5.6% माल पब्लिक का देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों ज़्यादातर जो भी हमने इस वीडियो में जो भी स्टॉक डिस्कस किया उसमें आप देखोगे कि पब्लिक के पास काफ़ी कम अमाउंट में माल पड़ा है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ है किसी भी स्टॉक के लिए वो। चलिए दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर ये स्टॉक आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मॉल और माइक्रो कैप पे हम ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।